हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डेली आंसर राइटिंग सेशन। चलिए डेली आंसर राइटिंग सेशन की शुरुआत करते हैं। और जो लोग नए हैं उनको आई वुड लाइक टू टेल कि 11 AM पे दो क्वेश्चंस देते हैं हम, ठीक है। और ये दो क्वेश्चंस या तो प्रीवियस ईयर के होंगे, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हो सकता है या दोनों ही प्रीवियस ईयर हो सकते हैं, और वो भी ऐसी थीम्स पे जो चीज़ें रिपीट हो सकती है या वहां से जो कंटेंट है आप वो रिपीटेड कंटेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ हम जो है करंट के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इश्यूज होते हैं जिन पे पॉसिबिलिटी है कि आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये जो है 11 AM पे देते हैं, उनका डिस्कशन होता है 9 PM पे, ओके। और आप चाहे तो आप चाहो तो इस बीच में आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिख के प्रेप आईएएस पीयर इवैल्यूएशन करके एक टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपके आंसर जो आपके साथ में आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं वो इवैल्यूएट करके आपको बता सकते हैं कि क्या उसमें इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, ठीक है। एंड अगेन देखिए, जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत एडवांटेज होगा इस इनिशिएटिव का, क्योंकि कई लोग क्या बोलते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं आंसर राइटिंग की स्किल को, राइट। जबकि आप कितने भी टॉपर वीडियोस देख लो, टॉपर टॉक देख लो, सब बोलते हैं कि डेली आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है गाइस। तो जो लोग इसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो, आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अगर यकीन नहीं आया तो आप खुद ही अपना जो है, ऑलमोस्ट हमें 30 डेज हो गए, तो जो डे वन पे जो आपने आंसर लिखा था और आज जो आंसर लिख रहे हो, राइट, आज जो आंसर लिख रहे हो और जो डे वन पे लिखा था, अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो बहुत बड़ा अंतर आपको दिखेगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था फ्रॉम योर जीएस पेपर 1, सोशल एम्पावरमेंट रिलेटेड टू वुमेन, ओके। सो वुमेन मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन एवरी स्पीयर ऑफ लाइफ, वेदर स्पिरिचुअल और मटेरियल, टू चेंज द पेट्रियार्कियल माइंडसेट विद इन द सोसाइटी, ठीक है। डिस्कस, ठीक है, आपको ये डिस्कस करना है। तो देखिए, अगर इसमें आई थिंक कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी, बट प्रॉब्लम होगी कि कैसे इसको स्ट्रक्चर किया जाए, क्योंकि वुमेन से रिलेटेड आप सब बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हो और हम सब देखते भी हैं सोसाइटी में कि वुमेन क्या चैलेंजेस फेस करती है जिसके कारण वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, और पार्टिसिपेट नहीं कर पाती तो उसके कारण पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे पेट्रियार्की हमारी सोसाइटी में प्रिवेलेंट है, राइट। तो इसको आपको डिस्कस करना, तो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पहले आपको। तो पहले स्ट्रक्चर बनाने से पहले ही आपको ये क्वेश्चन ही अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग इज दैट वुमेन मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट, ठीक है। तो वुमेन को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पार्टिसिपेट करने की, राइट। तो आपको इंट्रोडक्शन में ये दिखाना होगा कि वुमेन को अपॉर्चुनिटीज पार्टिसिपेट करने की नहीं मिल रही, राइट, ये दिखाएंगे आप। नाउ इट शुड बी इन विच फील्ड, स्पिरिचुअल यानी रिलीजियस फील्ड, रिलीजन, और एंड यू कैन ऑल्सो रिलेट इट टू सोसाइटी, ओके। और ये मटीरियल यानी इकोनॉमी, ठीक है, और इसमें पॉलिटिकल भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर्स, बेसिकली अगर दोनों को मिला लो तो ये वही हो गया, पार्टिसिपेशन इन सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर्स। वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर में उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ताकि, और जब ये होगा तभी जो पैट्रियार्कियल माइंडसेट है जो सोसाइटी का है वो तभी चेंज हो पाएगा, ठीक है। यू हैव टू डिस्कस दिस, ओके। सो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। तो देखिए, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर में बताता हूँ, ये सारी चीज़ें जो ना, ये सारी चीज़ें आप ये तीन डायमेंशंस के अक्रॉस बताना, कि पॉलिटिकल, कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, और सोशल पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब जैसे इंट्रोडक्शन की बात की गई, तो स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, तो आप बताओ कि स्टेटस में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन क्या है, लो है। अब कैसे जस्टिफाई करोगे, तो आप दे दो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021, और उसमें भी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप में और दूसरे एस्पिरेंट्स में अगर अंतर क्रिएट करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है या उनसे बेटर मार्क लेना है, तो लोग सीधा सीधा सिंपल बोल देंगे कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक 148, ठीक है। अगेन देखिए, ये चीज़ें भी आप याद रखना, ये फैक्ट्स वगैरह, अगर चाहो तो कई बार मैं जानता हूँ कि मॉडल आंसर में कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ पे बताता हूँ वो नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, आप जो ये स्क्रीन है इसका, जो आप वीडियो देख रहे हो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, ग्लोबल रैंक बता देंगे कई लोग, सिंपली सिंपली बता देंगे कि इंडिया में वुमेन का स्टेटस बहुत पुअर है,
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो है 148 रहेंगे। बट नहीं, और अच्छा बताना है तो हम पार्टिसिपेशन की बात करें, तो आप क्या बताओ, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। हम पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यही कहेंगे हम, ठीक है। यहाँ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करोगे, ठीक है ना, तो इसमें आप बताओगे कि ग्लोबल रैंक कितनी पुअर है, ठीक है, ये बता सकते हो, ठीक है, एजुकेशनल अटेनमेंट में, हेल्थ एंड सर्वाइवल में, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में, ठीक है ना। और ये चीज आगे यूज करोगे आप कंक्लूजन वगैरह में, यूज कर सकते हो कि कैसे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया अच्छा स्कोर कर रहा है और क्यों, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है, राइट। और इंडिया जेंडर गैप ऑन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी हैज वाइडेंड। तो 2021 में, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको प्लीज ध्यान में रखना, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का जो वुमेन का जो है, मतलब वुमेन और मैन के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज हो गया है इन दिस ईयर, ओके, इंक्रीज हो गया है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज इसको लेके भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, या आप इस फैक्ट को अपने जो है आंसर्स में यूज कर सकते हो, ओके। तो ये दोनों चीजें कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे इस स्क्रीन पे, आप देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो और याद रखना, ठीक है। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का अगर बताना हो आपको तो आप बताओ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन कितना है, इट इज, अगर आपको एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आप बोलो लेस देन 12%, ठीक है, तो पार्टिसिपेशन इज लेस देन 12% इन पार्लियामेंट, ठीक है। और सोशल, तो सोशल पार्टिसिपेशन, तो सोशल का आप बता सकते हो कि जो विद इन हाउसहोल्ड्स जो है डिसीजन मेकिंग पावर क्या होती है, मेनली मेल्स के पास होती है, क्यों, पैट्रियार्की के कारण, तो मेल डोमिनेटेड। तो कई जो सोशल एरियाज हैं जैसे टेंपल्स वगैरह या कई जगह जो है अभी भी वुमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे सबरीमाला एक एग्जांपल दे सकते थे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन, बट अगेन ये सब चीज़ें ब्रीफ में बतानी है। इनफैक्ट यहाँ पे आप कर सकते थे कि स्टेटस ऑफ वुमेन बोल के, देखिए यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन पे इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अच्छा इंट्रोडक्शन लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, फिर यहाँ पर एक दो तीन ऐसे बनाओ, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हाईलाइट कर दो लो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कि लेस देन 12%, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में हाईलाइट कर दो कि जो गैप है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2021 के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी का गैप इंक्रीज हो गया और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी में 147th रैंक पे है, ठीक है। सोशल में यहाँ पे आप ओवरऑल जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है वो 148th रैंक पे है, ठीक है, सोशल में वो बता दो, या वो बता दो कि एजुकेशन, हेल्थ, इनको जो एक्सेस देखते हैं वुमेन का वो बहुत कम है, ठीक है, इस टाइप से आप बता सकते हो यहाँ पे। तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ नीड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट, क्यों वुमेन की पार्टिसिपेशन, क्योंकि बेसिकली इट विल ब्रिंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। और अगेन इसके क्या है, जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट के हर तरीके से बेनिफिट है, सोशल बेनिफिट भी है, पॉलिटिकल बेनिफिट भी है, इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, ठीक है, ये तीनों बेनिफिट्स। आप सोशल बेनिफिट क्या है, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, आप बताओ कि जैसे जिस घर में वुमेन एम्पावर्ड होती है, जिस हाउस होल्ड में डिसीजन लेती हैं या जो सोशो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होती है, तो वहाँ पर देखा गया है कि चिल्ड्रन का एजुकेशन और न्यूट्रिशनल स्टेटस ज़्यादा बेटर होता है एज पर NHFS 4, ठीक है। देखिए अभी NHFS 5 का जो है स्टेट्स का डेटा है, ऑल इंडिया का नहीं आया, तो जब भी ऑल इंडिया का डेटा आएगा NHFS 5 का फिर आप वो यूज करना, बट अभी आप ये यूज कर सकते हो NHFS 4 का डेटा कि NHFS 4 की ऑब्जर्वेशंस या फाइंडिंग्स, ऐसे करके आप बोल के इवन इफ डेटा ना लिखो बट ये फाइंडिंग लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हमने बता दिया सोशल में। और पॉलिटिकल, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल करेंगे तो आप एग्जांपल दे सकते हो कि न्यूजीलैंड, ये कई रिपोर्ट्स आई थी कि जहाँ वुमेन गवर्नड जो हैं वो बेटर हैं, राइट, न्यूजीलैंड में जो प्राइम मिनिस्टर है जो वहाँ की, तो वो एक वुमेन है। या फिर आप और बेटर एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे जो है, आप ग्राम पंचायत का एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे ग्राम पंचायत में अंडर PRI एक्ट इंडिया ने ही मिनिमम 33% रिजर्वेशन रखा, और उस पर ज़्यादा रिजर्वेशन किया तो देखा गया कि वो जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया इसके थ्रू। तो उसके कारण फिर आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि इसके कारण देखो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ और इंडिया की रैंक 7th हो गई ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, ठीक है।
ये बता सकते हो। अब अगला इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक तो आई थिंक आप सबको समझ में ही आता होगा कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, ठीक है, डबल डबल अर्निंग हो जाएगी एक हाउस होल्ड की अगर वुमेन इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है, ज़्यादा जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, और उनका पार्टिसिपेशन होगा तो उनका भी जो है एम्पावरमेंट होगा, ठीक है, ऑब्वियसली एक बार इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होगा तो उनको फ्रीडम मिल जाएगी, ओके। तो फिर आप बताओ कि देखिए इस तरीके से पार्टिसिपेशन जरूरी है, बट फिर बताओ बैरियर्स, अगेन बैरियर्स भी कैसे, पॉलिटिकल, ठीक है, सोशल, ठीक है, सोशल एंड रिलीजियस यहाँ पर लिख दो और स्पेसिफिक होने के लिए, और यहाँ पे इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक बैरियर्स क्या, कि उनके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है, स्किल्स नहीं है, ठीक है, उनके पास जो है रिसोर्सेस या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, ओके। सोशल रिलीजियस ऑब्वियसली पैट्रियार्की, पैट्रियार्की सबसे बड़ा बैरियर, सबसे बड़ा पैट्रियार्की है। फिर वुमेन सेफ्टी भी आप बता सकते हो, अगेन जो भी मेजर बैरियर्स जो सोशल और रिलीजियस और इवन इकोनॉमिक में आएंगे लास्ट में आपको लिखना है कि ये सारे बैरियर्स किस कारण से, पैट्रियार्की के कारण है। ये सारे बैरियर्स क्यों है, बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की। तो देखिए पैट्रियार्की एक विशेष सर्कल है इसका, ये भी ध्यान रखना कॉन्सेप्ट, पैट्रियार्की क्रिएट्स बैरियर फॉर पार्टिसिपेशन, ठीक है, बैरियर फॉर पार्टिसिपेशन, एंड दैट बैरियर फॉर पार्टिसिपेशन लीड्स टू वुमेन डिसएम्पावरमेंट, ओके, या वुमेन का जो है जेंडर गैप होता है, ठीक है, और दैट वुमेन डिसएम्पावरमेंट अगेन लीड्स टू पैट्रियार्की, क्योंकि ऑब्वियसली जब वुमेन इतनी इंपावर्ड नहीं होंगी, वो अपने राइट्स के लिए नहीं बोल पाएंगी, तो क्या होगा, तो उसमें क्या है, ऑब्वियसली जब मेल जो सोसाइटी जो है मेल डोमिनेटेड हो जाएगी, ठीक है ना, आप लॉजिक समझ रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली बैरियर्स, बैरियर्स आप बताओगे, ठीक है, तो ये सोशल हो गया, ये हो गया, और पॉलिटिकल बैरियर्स भी बता सकते हो, अगेन पॉलिटिकल बैरियर्स में भी आप लिखोगे पैट्रियार्कियल माइंडसेट, ठीक है, पैट्रियार्कियल माइंडसेट जो है, जिसके कारण क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वुमेन कैंडिडेट्स को टिकट नहीं देती, और दूसरा पॉलिटिकल बैरियर ये कि लीगल, जो लीगली लीगल चेंजेस चाहिए, जो या उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, वो सब चेंजेस नहीं है, जबकि काफ़ी समय से एडवोकेट किए जा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप और भी बैरियर्स बता सकते हो, ठीक है। अगेन देखिए ज़्यादा पॉइंट्स लिखने से अच्छा आप लिमिटेड बट मेजर पॉइंट्स अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब आ जाओ इम्पैक्ट, तो आप बोलो कि अगर हम ये सब जो बैरियर्स हैं इनको एड्रेस करेंगे तो डेफिनेटली जो है वुमेन का क्या इम्पैक्ट होगा, वुमेन एम्पावरमेंट, इट विल लीड टू वुमेन एम्पावरमेंट, ओके, इम्पैक्ट। अगेन देखिए आप सोचोगे ये सेम है, बट ये सेम नहीं है, यहाँ बस आप ब्रीफ में बताओगे कि ये बैरियर्स को एड्रेस करने से आप वुमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं, उससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल भी दे दो आप यहाँ पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट का इंडिया में कि कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट ने जो है, और जो मेनली जो है कुदुम्बश्री, कुदुम्बश्री ऑफ केरला, ये एग्जाम्पल दोगे आप यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे केरला का जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट, उसका नाम कुदुम्बश्री है, और कैसे वो सक्सेसफुल रहा और कैसे उसके कारण वुमेन का जो है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस कहीं ना कहीं केरला में बढ़ गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ऑब्वियसली वे अहेड आप क्या बोलोगे कि इसके अलावा बोलोगे कि कैसे पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जा सकता है, ठीक है, कि कैसे इन बैरियर्स को ओवरकम किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली इन बैरियर्स को वे अहेड में भी आप बताओगे कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के लिए क्या किया जा सकता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए क्या किया जा सकता है, और सोशल सोसाइटल पार्टिसिपेशन, मतलब सोशल जो है उनका पार्टिसिपेशन के लिए क्या किया जा सकता है। अब इकोनॉमिक में तो एजुकेशन, स्किल्स, ठीक है, एक्सेस टू हेल्थ केयर, ठीक है, ये सब कर सकते हो आप, ठीक है, और जेंडर फ्रेंडली जो है लॉज एंड पॉलिसीज, ये इनफैक्ट ये यहाँ पर भी लिख सकते हो, जेंडर फ्रेंडली लॉज एंड पॉलिसीज, इनफैक्ट पॉलिटिकल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखोगे कि वुमेन के लिए जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन लाया जाए, ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब्स में वुमेन के लिए रिजर्वेशन लाया जाए, ये गवर्नमेंट जॉब्स में वुमेन के लिए रिजर्वेशन ये बिहार के केस में है फॉर सम जॉब्स, ठीक है, लोअर जो जॉब्स हैं उनके लिए है, और सोशल में क्या बोलोगे कि कैसे पार्टिसिपेशन करें, सोशल में कैंपेन्स, कैसे कैंपेन्स, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, ठीक है ना, ये सब आप दे सकते हो ऐसे एग्जांपल्स, ठीक है,
कि सोशल में जो है क्या रिफॉर्म कैंपेन्स या फिर जो ऐसे जैसे स्वच्छ भारत अभियान जैसे सैनिटेशन के उसके लिए या बिहेवियर चेंज का कैंपेन था या माइंड सेट चेंज का था, उसी टाइप से हम सोशल कैंपेन जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन हो गया ये ला सकते हैं ताकि लोगों का पेट्रियार्कियल माइंड सेट क्या हो, चेंज हो। ठीक है, तो दिस इज हाउ आप इसको एड्रेस करोगे। अगेन देखिए ये सारे डायमेंशन जो सारी चीजें हैं इसको तीन एस्पेक्ट्स में बताना है, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। इनफैक्ट वुमेन के केस में ये तीन मेजर एरियाज हैं, ठीक है, जिसको आपको एड्रेस करना। ओके, अगेन यहाँ पे आप हर जगह एग्जांपल्स दे दोगे तो और भी अच्छा होगा। जैसे स्टेटस में तो ऑलरेडी मैं बता दिया, बैरियर्स में अगर आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो जो असली में होते हैं तो दैट वुड बी इवन बेटर। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगेन वेरी आई थिंक ये काफी सिंपल लगा होगा आपको, मुझे नहीं लगता इसमें कंटेंट में। देखिए कई बार आप क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ठीक है, कॉमन सेंस से सोचिए। जो देखिए एकदम परफेक्ट नॉलेज नहीं होगी, मान लो डेटा नहीं है आपके पास, तो भी आप आंसर लिखने का ट्राई करिए अपनी लिमिटेड नॉलेज से, कि कैसे आप अपनी लिमिटेड नॉलेज को भी बेस्ट वे में एक्सप्रेस कर सकते हो। क्योंकि जब आप मेंस का पेपर दोगे ना, जब आप मेंस का पेपर दोगे तो 20 क्वेश्चन एक पेपर में जो आते हैं उसमें से 15 के अराउंड क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 15 प्लस माइनस 2-3 कर लो, जो ऑलमोस्ट ऑल सीरियस एस्पिरेंट्स कर लेते हैं। ठीक है, ऑल सीरियस एस्पिरेंट्स ऑलमोस्ट बराबर बराबर करते हैं 15 क्वेश्चन, बट असली डिफरेंस क्या होता है, 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है हर किसी का वो टेस्ट होता है कि दिमाग कितना है इस बंदे में। कि अगर कोई बंदे के पास, हर किसी के पास ऐसे 3 या 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत कम कंटेंट होता है, ठीक है, तो उसी में आप कम कंटेंट को भी कैसे अच्छे तरीके से लिख सकते हो वो स्किल टेस्ट होती है। और यही चीज जो है डिफरेंस लाती है, ठीक है, यही चीज डिफरेंस लाती है। एक पेपर में हम 5 बोलते हैं तो हर पेपर में आप सोच सकते हो कितने सर क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रैक्टिस करना तो ठीक है कि आपको आता है कोई चीज आपने पढ़ी हुई है उसको कितने अच्छे से लिख सकते हो, इट्स ओके, वो तो हर कोई कर सकता है आप थोड़ी प्रैक्टिस कर। बट असली स्किल क्या है जो आपको अक्वायर करनी है उसके बाद, वो ये है कि अगर आपके पास बहुत कम कंटेंट है, लिमिटेड कंटेंट है, तो उसके बाद आप वो लिमिटेड कंटेंट से भी कैसे एक क्वेश्चन को एड्रेस करोगे वो भी अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तो ये स्किल है और यहीं पे आपका जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, और इसी को बोलते हैं आंसर राइटिंग की स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज एड्रेस्ड सिस्टमिक इश्यूज दैट हैव ट्रेडिशनली प्लेग्ड द डेवलपमेंट स्कीम्स इन इंडिया, डिस्कस। वेरी सिंपल, अगर मैं बताऊं तो इंट्रोडक्शन आप ऐसे शुरू कर सकते हो, राजीव गांधी जी ने जो बताया था कि फॉर 1 रुपी स्पेंट ओनली 15 रुपीज रीच द पुअर, कि किसी भी स्कीम में हम 1 रुपये स्पेंड करते हैं तो सिर्फ 15 पैसे पुअर को रीच करते हैं, ये राजीव गांधी जी ने कहा था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स, राइट। तो ये बहुत ही एप्ट है, आपने ये चीज जब बताई तो आपने एक मेजर सिस्टमिक इशू ही बता दिया। ठीक है, और आप बता सकते हो इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन कई जो डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं वो जो अपने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव नहीं कर पाती। ठीक है, अब उसके बाद बहुत सिंपल है, सिस्टमिक इश्यूज हाईलाइट कर दो, करप्शन, क्या सिस्टमिक इश्यूज है, करप्शन, जैसे करप्शन में जैसे पिल्फरेज हो गया, पिल्फरेज ऑफ ग्रेन्स अंडर पीडीएस, पीडीएस में जो ग्रेन्स है वो डाइवर्जन या पिल्फरेज उसका, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ बताओगे तो बहुत अच्छा होगा। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर, तो आप बोल सकते हो कि पास्ट में क्या होता था, घोस्ट बेनिफिशियरीज होते थे, बेनिफिशियरीज अंडर एमजी नरेगा, ठीक है, और एक्सक्लूजन एरर कि जो जेन्युइन बेनिफिशियरीज थे उनका नाम नहीं होता था या उनका नाम स्कीम में इंक्लूड करने के लिए उनको जो है हरास किया जा सकता, उनसे पैसा लिया जाता था। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है अबाउट देयर एंटाइटलमेंट्स, क्या उनके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, देन लैक ऑफ कन्वर्जेंस एंड होलिस्टिक अप्रोच, तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा और इस गवर्नमेंट का इस बार जो है एक मेजर एरिया फोकस का है कि बहुत सारी स्कीम्स को कन्वर्ज किया जाए, नहीं तो आप देखोगे कि बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स, क्योंकि देखिए अगर कोई पर्सन है अगर उसका जो है उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है तो कन्वर्जेंस चाहिए। मान लो किसी को हम जैसे हाउस दे रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये तो अभी की स्कीम है, राइट, पहले इंदिरा आवास योजना थी, ठीक है, फिर और भी रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम था, ठीक है, और ऐसे ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी प्रोग्राम था, सारे प्रोग्राम्स अलग अलग चल रहे थे। ठीक है, कि एक प्रोग्राम से घर देंगे, एक प्रोग्राम से सैनिटेशन के लिए टॉयलेट बनाएंगे, एक प्रोग्राम से पीने का पानी देंगे, एक प्रोग्राम किसी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, सारे प्रोग्राम अलग अलग चल रहे थे। तो कन्वर्जेंस क्या हुआ, कन्वर्जेंस ये हुआ
इस सारे जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसको कन्वर्ट करते हैं हम आपके ये स्वच्छ भारत अभियान SBA रूरल से, ठीक है। और उसके मतलब घर बना रहे हो तो घर के साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान के अंदर टॉयलेट बनाने का भी पैसा दे देंगे। उसके साथ साथ इसको जल जीवन मिशन के साथ कन्वर्ट कर दिया कि टॉयलेट बनाने के साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर के सप्लाई का भी, उसके साथ साथ और भी एरियाज है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए सौभाग्य योजना से कि बिजली भी दे दी, घर बनाया, टॉयलेट दी, पानी दिया, बिजली भी दे दी, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंस हो गया और हॉलिस्टिक अप्रोच हो गया, ठीक है। अब ये जो चीज मैंने आपको बताई ये बेसिकली आपको यहाँ मेजर्स में आगे लिखनी थी, ठीक है। या तो देखिए दो तरीके, या तो आप पहले सिस्टमिक इश्यूज बताओ और फिर बाद में बताओ मेजर्स क्या लिए, या तो फिर आप सीधा सिस्टमिक इश्यूज और मेजर, इश्यूज और मेजर, ठीक है, इश्यूज और मेजर, ठीक है। जो ऐसे ऐसे जो मेजर्स हैं, इश्यूज और मेजर ऐसे बता सकते हो कि फोकस ऑन कन्वर्जेंस, तो ठीक है, करप्शन और इंक्लूजन एरर इसके लिए JMDBT, लैक ऑफ अवेयरनेस के लिए भी ये कर सकते हो आप, ठीक है। कोलैबोरेशन के लिए जो है ई गवर्नेंस, ठीक है, फोकस ऑन आउटकम्स के लिए इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है। या तो एक साथ बता सकते हो या अलग अलग बता सकते हो, ओके। तो अगला आपका, तो अब अगला आपका है कोलैबोरेशन। तो बेसिकली कोलैबोरेशन किसके बीच में, कोलैबोरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। इसका सोल्यूशन फिर आप दे सकते हो, फोकस ऑन नीति आयोग बनाया गया, ठीक है, नीति आयोग बना गया। और नीति आयोग से क्या, नीति आयोग का फोकस क्या था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अगर कुछ दिन पहले अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा, हमने दिया था इसी चीज पे कि कैसे स्टेट और सेंटर के बीच में कोलैबोरेशन हो रही, ठीक है। और लैक ऑफ फोकस ऑन आउटकम्स, मतलब ऑब्वियसली आप घर बना रहे हो बट, या तो फिर जैसे आप सैनिटेशन के लिए प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, सैनिटेशन के लिए टॉयलेट प्रोवाइड तो कर रहे हो, टॉयलेट कंस्ट्रक्ट, इनफैक्ट स्वच्छ भारत अभियान का सबसे बड़ा फोकस यही था कि आउटकम्स पे था। तो स्वच्छ भारत अभियान से पहले जो प्रोग्राम था, तो TSP टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम, उसमें फोकस था ऑन कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट, कि टॉयलेट बना दो, कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स, कि टॉयलेट बना दो। बट देखिए हम टॉयलेट्स क्यों बना रहे, इसलिए बनाया कि लोग उन टॉयलेट्स को यूज करें, ओपन डिफिकेशन ना करें, और फिर अल्टीमेट आउटकम ये होगा कि बीमारियां कम। तो इसीलिए आपका स्वच्छ भारत अभियान आया, उसने कहा कि टॉयलेट तो बनानी है, प्लस साथ में बिहेवियर चेंज करना है, प्लस साथ में फिर क्या आउटकम्स ट्रैक करेंगे कि ओपन डिफिकेशन एलिमिनेशन, ये ओपन, ये आउटकम पे फोकस है कि हम ओपन डिफिकेशन नहीं होने देंगे। तो ये इज फोकस ऑन आउटकम्स। तो ये चीज आप एज एन एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। बाकी और चीज आप बता सकते हो, ई गवर्नेंस के लिए जो है कुछ एप्स जैसे लाए हैं, उमंग यूनिफाइड ऐप है बहुत सारी चीजों के लिए। या फिर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है, अब MGNREGA में क्या होता था, बहुत सारे टाइम काम हुआ नहीं है, पैसे दे देते, ठीक है, वर्क वॉज नॉट डन और पैसे दे देते। तो MGNREGA में क्या किया, GIS का यूज और पोर्टल बनाया है, किसका, ऐप निकाला, ठीक है, और GIS और जियो टैग करके जो है कंस्ट्रक्शन के जो फोटोज अपलोड करने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या लाई, इट ब्रॉट अबाउट मोर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड दिस हेल्प्ड इन कर्बिंग करप्शन, ओके। बाकी स्ट्रेंथनिंग एंटी करप्शन मेजर, तो यहाँ पे और भी चीजें आप लिख सकते हो, जैसे आपका लोकपाल लाए, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को भी स्ट्रेंथन किया, ये भी। इनफैक्ट देखिए ये ऐसा नहीं कि बस यही मेजर्स लिए, और भी मेजर्स जो आपके दिमाग में आए आप लिख सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा डिटेल में किसी एक मेजर में मत जाना, ठीक है, क्योंकि आपके 10 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स में देखो आपको आदत डालनी होगी कि अगर ज्यादा पता है तो उसको भी कम से कम वर्ड 150 वर्ड में कैसे लिखे, ओके। और इसके बाद थोड़ा बहुत कि देर आर स्टिल एरियाज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड, या कुछ सिस्टमिक कंसर्न्स अभी भी हैं। इसमें सबसे बड़ा क्या है, लो स्पेंडिंग वन, तो लो स्पेंडिंग ऑन सोशल सेक्टर्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है फिस्कली कंस्ट्रेंड है, उसके पास पैसा नहीं है फॉर स्पेंडिंग इन दी डेवलपमेंट स्कीम्स, ठीक है। दूसरा आपका हो सकता है ऑपरेशनल इश्यूज, ठीक है। ऑपरेशनल इश्यूज कैसे, जैसे आपने आधार में देखा होगा, फिंगरप्रिंट कई बार मैच नहीं करता, ये सब जो है इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। और भी जैसे आप और भी जो है कुछ इश्यूज एरियाज जो बता सकते हो वो बता सकते हैं कि आउटकम्स में स्टिल लैक कर रहे हैं कई एरियाज में। आउटकम्स में अगर बोले तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्टिल वी आर पुअर, ठीक है। तो आउटकम्स में कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक अभी भी काफी कम है।
तो लास्ट में फिर आप बोल दो कि फॉर दिस फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन, ओके, क्या इंक्रीज द स्पेंडिंग, ओके, स्पेंडिंग ज़्यादा करें सोशल सेक्टर्स पे, ठीक है ना। और आप दूसरी चीज़ क्या बोल सकते हैं कि ऑपरेशनल इश्यूज को ठीक करें, ठीक है, डिजिटल डिवाइड ब्रिज करें, ओके, और भी जो दूसरे कुछ आपको आते हैं सजेशंस आप वो दे सकते हैं, बट अगेन बहुत सारे नहीं दे रहे, थोड़े बहुत ही दे रहे, क्योंकि क्वेश्चन का टोन ही ये था कि जो है गवर्नमेंट हैज़ एड्रेस्ड, ठीक है, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें मत जाना, क्योंकि टोन है कि गवर्नमेंट ने एड्रेस किया है, कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, ओके। हालांकि डिस्कस बोला तो इसलिए थोड़ा बहुत बताऊंगी कि अभी और भी करने को चीज़ें बाकी हैं, ओके। तो दिस इज इट, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड ऑल्सो मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगा कि देखिए रेगुलरली फॉलो किया करिए आंसर राइटिंग को, अगर आप नहीं भी लिख पाते, मान लो आंसर नहीं भी लिख पाते हो, कोई बात नहीं, आप वैसे भी इसको फॉलो करोगे तो कुछ तो आपको स्ट्रक्चरिंग का समझ में आएगा, प्लस कुछ ना कुछ आप जो है यहाँ से कंटेंट जरूर लेके जाओगे, जो जब आप फाइनल आंसर लिखोगे जब मेंस में तो आपको हेल्पफुल होगा। तो गाइस थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट वीक।